हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। दिवाली के बाद आज निफ्टी देखे तो जबरदस्त तेजी के साथ बंद हुआ, 230 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी भी 300 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है। अभी अगर आपको याद होगा, ये जो कैंडल बनी थी 3 नवंबर को, तभी हमने यहाँ पर एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया था। तभी ये कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा था। यहाँ पर राइजिंग डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हुआ था, जो कि ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न होता है। ये जब भी आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम कि यहाँ से एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है, ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है। लेकिन हमने एनालिसिस किया था कि ऊपर जाते वक्त कई सारे हर्डल्स है। एक तो ये पिंक लाइन 20 DMA का, उसके बाद ये ब्लू लाइन 50 DMA का, ये हर्डल थे। अभी ये हर्डल्स जो है इनको आराम से इसने पार कर दिया है। अगर हम ये देखें, अभी देख सकते हैं आप, ये कैंडल थी 3 नवंबर की। इसके बाद ये ब्लू लाइन ने यहाँ पर हर्डल का काम किया था। काफी देर, 3 4 दिन इस लेवल को पेनेट्रेट कर रहा था, फिर ब्रेक करके आज देखिए कहाँ पर पहुंच गया, 19,693, ऑलमोस्ट 700 अचीव कर लिया। तो अभी यहाँ से और भी अगर ऊपर की तरफ जाता है तो हमारा नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस का लेवल होगा ये अराउंड 19,850 के आसपास होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल टॉप जैसा पैटर्न बना है इसने। ठीक है, तो ये जो लेवल है 19,850, ये नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस का लेवल हो सकता है। और जो अभी ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ब्लू लाइन, ये हो सकता है अभी सपोर्ट का काम करे, जो कि 19,450 के आसपास है। तो ऊपर 19,850 का रेजिस्टेंस है और नीचे 19,450 का सपोर्ट है। तो ये डेली चार्ट का फिलहाल सिनारियो है। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट के ऊपर, कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं। आप देख पाओगे ये फिर से एक बार 7,200, जो कि ओवर बॉट जोन माना जाता है, इसमें पहुंच चुका है। ये जो जोन है आप देख सकते हैं, ये जब जब यहाँ पर आया था तो ऊपर देखिए प्राइस एक्शन में एक करेक्शन आता है, एक फॉल आता है छोटा सा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, तो ये जब जब इस जोन में आता है तो हो सकता है, चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं कि एक छोटा करेक्शन आ सकता है। आज भी 230 पॉइंट का निफ्टी ने यहाँ पर जम दिखाया। तो कल के लिए हमारा जो ब्रेकआउट लेवल बनेगा, ऑब्वियसली आज का जो हाई बन रहा है उसके जस्ट ऊपर 19,699, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। उसके ऊपर हमारा फर्स्ट टारगेट का लेवल बनेगा अराउंड 19,717, और सेकेंड टारगेट का लेवल होगा 19,736। अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा 19,651, फर्स्ट टारगेट होगा 19,630 और सेकेंड टारगेट होगा 19,609, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लेवल से, अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी में आप देख लीजिए, ये सुबह का रेड कैंडल गैप अप तो ओपन हुआ, यहाँ पर दिख रहा है 300 पॉइंट बैंक निफ्टी आज बंद हुआ। लेकिन ये चार्ट देखोगे इंट्राडे का तो आपको समझ में आएगा कि गैप अप ओपन हुआ और पूरा दिन 1 घंटे के बाद एक साइडवेज पैटर्न में चला गया। क्योंकि आज भी कहे तो त्योहार का ही दिन है, तो ज्यादा यहाँ पर वॉल्यूम देखने को नहीं मिला और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। अभी कल के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा आज के लो के नीचे, जहाँ पर ये साइडवेज पैटर्न का लोअर बैंड बन रहा है, 44,153, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट होगा 44,101 का और सेकेंड टारगेट होगा 44,052 का। और ऊपर की तरफ हमारा ब्रेकआउट लेवल बनेगा अराउंड, आज जहाँ पर ओपन हुआ था 44,352, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट होगा 44,409 का, सेकेंड टारगेट होगा 44,470 का। तो ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। छोटा सा इंट्रो ट्रेडिंग फैब के बारे में। ट्रेडिंग फैब एक ऑथराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, 5paisa है, अंजल ब्रोकिंग है। अगर आप इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे अंडर ओपन करते हैं तो हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम चैनल की मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। तो आपको करना क्या है, सपोज आपको जीरोधा में अकाउंट ओपन करना है तो आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है तो एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। आपको आपके डिटेल्स यहाँ पर एंटर करना है, कंटिन्यू करना है तो आगे की ऑनलाइन अकाउंट प्रोसेस शुरू हो जाएगी।
एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है, काफ़ी सेफ है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो एक दिन में आपका अकाउंट ओपन हो सकता है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको इस नंबर पे कॉल करना है हमें, ताकि आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके।